हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज मैजिक। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट रवा इडली की रेसिपी, और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए अपनी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये 10-12 करी लीव्स हैं, और ये एक बड़े चम्मच राई हैं, और ये चुटकी भर हींग है, और ये एक बड़ा चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच चना दाल है, और एक बाउल है रवा, एंड ये 3/4 कप आप देखिए हंकर्ड है, और मैंने 2 चिलीज को कट किया है, और ये कोरिएंडर है। तो इसके लिए हमने पैन को हीट अप कर लिया है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और 1 टेबल स्पून ओनली, और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे चुटकी भर, और थोड़ी सी राई 1 टेबल स्पून, एंड इसको चटक लीजिए। अब ये इसमें करी डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून उड़द दाल एंड 1 टेबल स्पून चना दाल। हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। देखिए ये रेड हो गया। अब हम इसमें अपना रवा मिला देते हैं। और इसको हमें भून लेना है, 5 मिनट तक रोस्ट करना है इसको। ड्राई रोस्ट करना है। इसमें स्मेल आने लगेगी धीमी धीमी सी। उसके बाद इसको, ये मेरा ड्राई रोस्ट हो गया है, और अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए गैस ऑफ कर दूंगी, और 5 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब ये हमारा ये रवा जो है वो ठंडा हो गया है, और अब हम इसमें अपना बाउल में निकाल लेंगे। और 3/4 कप मैंने आपसे कहा था ये हंकर मैं इसमें मिलाऊंगी, और ये ग्रीन चिलीज इसमें मिलाऊंगी, एंड कोरिएंडर, एंड इसमें पहले मिला लेते हैं। और थोड़ा सा इसको देखिए, हमें बहुत टाइट बैटर नहीं बनाना है, और बहुत ही लिक्विडी नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है बीच का। आराम से हम इडली में स्टैंड में इसको पोर कर सकें। तो ये आई थिंक 1/2 कप में वाटर लगा है इसमें, और इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, एंड रेड चिली पाउडर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, या चुटकी भर डालिए बस, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए क्योंकि बहुत स्पाइसी भी नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें हम वाटर और ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 कप वाटर लिया है, और
तुलसी को यूज किया है इसमें। अभी हमको इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। ये देखिए हमने इसको 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखा था, और अभी ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम वाटर और मिलाएंगे। थोड़ा ये देख रहे हैं ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। अब हमने देखिए अपने ये जो हैं मोल्ड्स को ग्रीस कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है दोनों में, और हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। और आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं, मैं माइक्रोवेव करके बनाती हूँ। 5 मिनट्स लगता है इसको, मतलब डाल दीजिए आप उसमें और 5 मिनट्स माइक्रोवेव कर दीजिए। थोड़ा सा इसको टैप कर दीजिए तो इसमें जितनी भी एयर होगी वो निकल जाएगी, और हम इसमें अपना सेकेंड बैच डालते हैं। थोड़ा सा इसको भी टैप कर दीजिए, और ये हमने अपनी इडली को स्टैंड में डाल दिया है। चलिए हम इसको माइक्रोवेव करते हैं। और इसको हम 5 मिनट्स के लिए सेट कर देते हैं। ये देखिए हमारी इडली बनके रेडी हो गई है, और ये बहुत ही मॉइस्ट बनी है आप देख सकते हैं, और 5 मिनट्स भी नहीं लगा इसको बनने में, ओवन में बनके तैयार हो गई है। और ये हमारी इंस्टेंट रवा इडली बनकर तैयार हो गई है। एंजॉय विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।